हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस। जीरो आईएएस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग मैथ्स रीजनिंग जो यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसेट में जो क्वेश्चन आया है दोस्तों 1995 से लेकर 2022 तक, उसका हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट वन हम कर चुके हैं जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देख चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग पार्ट टू करेंगे जिसमें हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन देखेंगे। मतलब डेली हम लोग 25-25 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी आपका एग्जाम 28 मई को है, धीरे धीरे डेली 20-25 क्वेश्चन बना रहे हैं, और कभी जब ज़्यादा मुझे टाइम मिलेगा तो उस दिन ज़्यादा आपको 50-100 भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन हाँ, डेली आपको प्रैक्टिस करना है मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, चलिए दोस्तों, सीसेट का भी करवाएंगे धीरे धीरे। सीसेट का भी हो सके कल से जो है उसका भी डेली 2-4-5 पैसेज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये हमारा पार्ट टू है, शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। आप देख रहे हैं दोस्तों जीरो आईएएस का चैनल राहुल बनवार के साथ। मैं ईपीएफओ में दोस्तों सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ, साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये मेरा इंटरव्यू के टाइम का फोटो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 25 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो बोल रहा है इन ए कोड लैंग्वेज, किसी कोड में है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। सॉलिड इज रिटेन एज, तो बोल रहा है किसी भी भाषा में जो सॉलिड है दोस्तों, SOLID, इसको लिखा गया है, सॉलिड को लिखा गया है WPSLPIMFHA। ठीक है, बोल रहा है किसी भाषा में सॉलिड को हम लोग ये लिखे हैं। ठीक है, और तो बोल रहा है कि अगर उसी भाषा में अगर हम किस चीज़ को ATEXXQIBVO लिखेंगे दोस्तों, मतलब बोल रहा है किसी भाषा में किसी कोड में हम लोग सॉलिड को इस चीज़ में लिख दिए हैं, मतलब सॉलिड के बराबर है WPS SLP, ये सब है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हम लोग किस चीज़ को इस फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको पहचानना है कि सॉलिड से ये वाला चीज़ कैसे आया होगा। ठीक है, देखिए कितने इसमें वर्ड है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने वर्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब लेटर कितने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब इसमें है 5 लेटर, इसमें है दोस्तों 10 लेटर, इसका मतलब हर एक लेटर के लिए यहाँ पे 2 लेटर यूज हुआ होगा कोड में। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको देखना है कि S जो है वो WP से किस तरह से संबंध है, उसी तरह O जो है वो S और L से किस तरह से संबंधित है, L जो है P और I से किस तरह संबंधित है, इस तरह देखना है आपको। तो देखिए अगर आप देखेंगे S से अगर W आना है और P आना है दोस्तों, तो P कैसे आएगा, P में अगर हम QRS तीसरा वर्ड देखेंगे P के बाद लेटर अक्षर, तो क्या आएगा QRS। उसी तरह S में जब हम UVW तीन आगे जाएंगे, ठीक है, मतलब P में अगर हम तीन जोड़ेंगे तो S आएगा, और S में अगर तीन जोड़ेंगे दोस्तों तो मेरा W आ रहा है, ये एक रिलेशनशिप बना। बाकी का देख लेते हैं, O से O है तो O के पास क्या है, S और L, तो एक तरफ S है एक तरफ L है। ठीक, तो L कैसे आ रहा है, तो देख रहे हो अगर L में तीन जोड़ोगे MNO तो तीसरा आ रहा है, उसी तरह O में जब तीन जोड़ रहे हैं PQRS, यहाँ पे देखिए दोस्तों चार जोड़ने से आएगा ना, इसके बाद TUVW चार जोड़ने से, O में कितना जोड़ने से आएगा दोस्तों, 4 PQRS। ठीक है, मतलब ये भी रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है। बाकी भी चेक कर लेते हैं L का, तो L के पास क्या है दोस्तों, P और I है ना, तो एक तरफ P है दूसरी तरफ I है, तो I में अगर हम तीन जोड़ेंगे तो JKL तीसरे नंबर पे L आता है, और L में अगर चार जोड़ते हैं दोस्तों MNOP तो आ रहा है। इसका मतलब जो भी अक्षर हम यहाँ पे S के कोई भी लेटर के का जो हम कोडिंग कर रहे हैं दोस्तों, उसमें से जो उसका ये वाला लेटर है दूसरा नंबर का, उसमें तीन जोड़ने पे आता है, और जो फर्स्ट वाला लेटर है उसमें चार जोड़ने पे आता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमको जब लिखना है दोस्तों किसका AT आया होगा, ठीक है, तो किसका AT आया है दोस्तों ये हमें पता करना है। ठीक है, इसका मतलब AT अगर किसका आया है और EXXQIB इसको पता करना है। बात समझ में आ रहा है, तो देखिए AT मतलब कैसे आएगा, किसी चीज़ में क्या हम इसमें वो कर लें, इसमें दोस्तों तीन जोड़िए वैसे ही आया था ना, ये वाला कैसे आया था, P में तीन जोड़ेंगे तो ये आएगा, और जो भी आया है उसमें चार जोड़ने पे ये आ रहा है मेरा, है ना, तो T में तीन जोड़ेंगे तो क्या आएगा UVW, इसका मतलब इसका होगा W। अच्छा, फिर जो अगला वाला है इसमें भी तीन जोड़िए तो क्या आएगा XYZ, तीन में, ठीक है, इसमें तीन जोड़िए दोस्तों YZA आया, उसी तरह Q में क्या RST आया, तो मेरा WAT आ रहा है दोस्तों, वाट, फिर बाकी का भी आ जाएगा, यहाँ पे किस में है वाट, इसमें, तो मेरा आंसर हो गया दोस्तों।
ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो पहले वर्ड से भी चेक कर सकते हैं। तो पहले वर्ड में क्या करना है, पहले वर्ड में हमको बैक जाना है दोस्तों, है ना। तो ए के बाद देखिए ये है चौथे नंबर पे आना चाहिए, है ना। तो जब उस फिर हम लोग बैक जाएंगे तो ए के पीछे क्या है, जेड, जेड के पीछे क्या है आपका वाई, वाई के पीछे क्या है आपका एक्स, और उसके पीछे क्या है डब्लू। तो चौथे नंबर पे क्या आएगा डब्लू। उसी तरह ई से जाएंगे तो ई के पहले क्या है आपका डी, डी के पहले सी, सी के पहले बी, बी के पहले ए, तो चौथे नंबर पे है। तो आप वैसे भी जा सकते हैं या तो फिर आप अल्टरनेट वाले को तीन में जोड़ करके भी देख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 26 का डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बोल रहे एग्जामिन द फॉलोइंग रिलेशनशिप एमंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ सिक्स पर्सन ए बी सी डी ई एफ। बोला छः लोग हैं एक परिवार में, ए बी सी डी ई और एफ है, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें से इस तरह से हमको बताना है कि और क्या क्या बोला गया, द नंबर ऑफ मेल इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल, मतलब जितना आदमी है उतना औरत है। मतलब छः लोग हैं टोटल, तो तीन मेल होगा और तीन फीमेल होगा, मतलब तीन आदमी तीन औरत। बोल रहा है ए और ई जो है एफ का बच्चा है, बेटा है। तो एफ का बेटा कौन है दोस्तों, ए और ई, और दोनों क्या है दोस्तों मेल, मेल है, लड़का है, ठीक है। ये भी बोला गया, अच्छा एफ क्या है वो भी नहीं बोला गया, ठीक है। डी इज़ द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल। तो बोल रहे डी जो है वो एक लड़का और एक लड़की मतलब का बच्चा है, बेटे मतलब क्या है माँ है दोस्तों। तो बी क्या है फीमेल है, फीमेल औरत है, माँ है मतलब, और इसका एक बेटा है और दोस्तों एक बेटी है, ये बोला गया, ठीक। और ये दोनों क्या है दोस्तों बेटा, ये बोला गया है ना, दो सन बोला गया ना कि एफ का दो बच्चा है, ठीक है। अब बोल रहा है बी इज़ द सन ऑफ ए, बी जो है वो ए का बेटा है दोस्तों, ठीक है। तो बी जो है ए का बेटा है, तो ए का बेटा कौन है दोस्तों बी, ठीक है। मतलब ए जो है वो बाप होगा बी का, होगा ना, और बी क्या है लड़का है, और ये भी लड़का है तभी तो बाप है, ठीक है। तो दोनों मेल है और बोल रहा है बी जो है ए का बच्चा है, मतलब ए जो है वो बाप है बी का, ठीक है। फिर बोला देयर इज वनली वन मैरिड कपल इन फैमिली एट प्रेजेंट। बोला प्रेजेंट में एक ही जो है मैरिड कपल है, ठीक है। एक ही क्या है दोस्तों मैरिड कपल है, मतलब शादीशुदा, मतलब प्रेजेंट में शादीशुदा है, कोई विधवा होगा, लेकिन मैरिड अभी जो है जिसके पति पत्नी है सिर्फ एक ही कपल है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा रिलेशनशिप है दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है फैमिली में तीन लड़का होगा, तीन तीन आदमी है तीन औरत है, ठीक। तो देखिए हमें तो पता चल गया कि बी लड़का है और क्वेश्चन के अनुसार ए और ई भी मेल है, इसका मतलब डी क्या होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बोल रहा है कि फैमिली में ना जितना आदमी है उतना औरत है, ठीक है। इसका मतलब हमें बेटा तो पता चल गया कि आदमी कितना है, देखिए एक आदमी है, एक मेल है, दूसरा मेल, ये तीसरा मेल है, चौथा मेल, तो चार मेल हो गया। इसका मतलब एक जो बेटा होगा दोस्तों ए का, वही जो है डी का बेटा होगा, तभी ये दोनों कॉमन होगा, होगा ना, बात समझ में आ रहा है ना आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। कि देखिए बोल रहा है जितना आदमी उतना औरत, तो तीन तीन हो गया, छह लोग हैं तीन तीन। अब अगर देखेंगे मेल तो एक ये मेल है, एक ये बेटा है, एक ये बेटा हो गया लड़का, और एक एक विचार हो गया। इसका मतलब जो ए होगा, ए का जो बेटा होगा दोस्तों बी, वही बेटा डी का होगा, तभी ये दोनों कॉमन हो जाएगा, तभी तीन लोग हो जाएंगे, एक आदमी दो आदमी या तीन आदमी बाकी औरत, ठीक है। इसका मतलब ए का अगर लड़का बी है और डी का लड़का अगर कोई है, तो डी का लड़का कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए, तभी तीन आदमी तीन औरत होगा। तो डी और ए में क्या संबंध हो गया दोस्तों, दोनों एक क्या है दोस्तों पति पत्नी है। तो ए और डी क्या है पति पत्नी है, ये संबंध में अभी आया है, ठीक है। इसका मतलब जो ए आदमी है क्योंकि मेल लिखा है, और डी क्या है औरत है, तो ए जो है डी का क्या है दोस्तों हस्बैंड है। तो यही हमसे पता चल रहा है कि ए जो है वो डी का क्या है हस्बैंड है, बात समझ में आया। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं दोस्तों, ये पजल होता है, पजल रिलेशनशिप बताना ये पजल है ना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल कर लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन बोला है, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। तो 27 का आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहा है इन ए सर्टेन कोड मार्च इज रिटेन एज ओ सी टी ई जे, मतलब किसी कोड में मार्च को ओ सी टी ई जे लिखे हैं, मतलब एम ए आर सी एच बराबर आया ओ सी टी ई जे। इसका मतलब एम से ओ आया होगा, ए से सी आया होगा, आर से ये, इससे ये, इससे ये, ऐसे भी हो सकता है, दूसरा भी कोड हो सकता है ऐसे भी। मान लो एम से ओ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस एल
एम एन ओ प्लस दो, ए से सी आने के लिए बी सी बी और सी प्लस दो, आर से टी आने के लिए प्लस टू, एस टी सी से ई आने के लिए प्लस टू, और जे से आपका जो ये क्या है दोस्तों एच, तो एच से जे आने के लिए प्लस टू। इसका मतलब अगला वाला जो कोड बन रहा है वो इसको नंबर में जोड़ने से हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब रिटर्न से अगर हमें लाना है तो आर में दो जोड़ेंगे तो टी, ई में जोड़ेंगे तो ए जी, टी में जोड़ेंगे तो बी, यू में जोड़ेंगे तो डब्लू, और आर में जोड़ेंगे तो टी, और एन में जोड़ेंगे तो दोस्तों पी। तो ये कहाँ मेरा लिखा हुआ है टी जी वी डब्लू टी पी, तो ये दोस्तों लिखा हुआ है सी में टी जी वी डब्लू टी पी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो हो गया डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप कि इसका सामने सामने। ऐसे भी हो सकता है कि यू पी एस सी लिख दे कि मार्च बराबर आपका है जे ई टी सी ओ, तब आप ये भी चेक करिएगा क्या कि मार्च में जे लाना है तो क्या क्या लाना है, के एल एम तीसरा, और ए से अगर ई आना है तो प्लस चार करना पड़ेगा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है दोस्तों। फिर आर से टी लाने के लिए प्लस टू, कोई रिलेशनशिप नहीं। अगर फिर ऐसे आप देखो कि अगर अगर हम ऐसे देखें क्रॉस कि अरे यार एम से ओ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस टू, अच्छा फिर ए से सी लाने के लिए प्लस टू, फिर आर से लाने के लिए प्लस टू, फिर सी से ई लाने के लिए प्लस टू, एच से, मतलब फिर डायगोनल उसने लिख दिया, डायगोनल ऐसे ऐसे कर दिया। तो या तो रिलेशनशिप देखिए ऐसे हो सकता है सीधा सीधा कि इसका सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, या क्रॉस भी हो सकता है, पहले वाला का लास्ट वाला, लास्ट वाले का पहला वाला, इसका वाला दूसरा नंबर पे, इसका वाला इधर, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकता है, बस आपको पहचानना है कि जो लेटर है दोस्तों, जो वर्ड दिया गया है उसका संबंध दूसरे वर्ड से किस तरह से है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी होगा दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर है 29, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ रिपीट किया था, हमने बनाया था, देखिए ये टेबल वाला है, राउंड टेबल में मैंने हम लोगों ने उस दिन सॉल्व भी किया था, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है देखो बता दे रहे हैं आपको, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 सेम क्वेश्चन राउंड टेबल वाला, 1998 में पूछा सेम क्वेश्चन ए बी सी डी एफ राउंड टेबल, है ना, राउंड टेबल। ये भी क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 2000 में पूछा गया, ठीक है। और ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था 1998, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इसको रिपीट कर दिया। तो यूपीएससी में भी दोस्तों खासकर सीसेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिपीट होता है। तो अगर पिछले आप 25 साल का जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ अगर आप कर लेते हैं तो सीसेट पे आपको बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा दोस्तों, मैथ्स पे भी, रीजनिंग पे भी और पैसेज पे भी, है ना। और इसी क्वेश्चन को बार बार आप खुद से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो 29 में सॉल्व कर दिया हूँ तो दोबारा करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ डाइस, ठीक है, बोल रहा है कि यह हमारा है, तो व्हाट इज नंबर अपोजिट टू थ्री, तो तीन के अपोजिट क्या है दोस्तों। तो देखिए तीन के अपोजिट जानने से पहले सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि तीन जो है तीन किसके बगल में है। तो देखिएगा तीन जो है छः के बगल में है, मतलब छः जो होगा वो तीन का दोस्तों उल्टा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दो उस तीन के अगला वाला में दो भी है, उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा कब होगा, जब ऊपर में मेरा तीन हो और उसके जस्ट नीचे वाला पेज पे दो हो, तब हो सकता है ना वो उसका उल्टा। अगर तीन के बगल वाला ही कोई अंक है तो वो तो कभी दोस्तों नहीं होगा तीन का उल्टा, बात समझ में आ रहा है। चलिए तो तीन जो होगा उल्टा जो है छः भी नहीं हो सकता, दो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा और क्या जानना है हमें, और इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर किसी दो जो आपका डाइस होगा क्यूब होगा घन होगा, अगर उसमें से दो अगर किसी का अंक सेम होगा, मतलब देखिए यहाँ भी छः है यहाँ भी छः है, यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, इसका मतलब जो संख्या बच गया जो सेम नहीं है, याद रखिएगा दो सेम होना चाहिए तभी हम बता पाएंगे कि उसका उल्टा क्या है, ठीक है। तो छः छः सेम है, दो दो सेम है दोस्तों, ठीक है। तो जो संख्या बच गया वो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब तीन का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों चार, ठीक है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, थ्री का उल्टा क्या होगा चार। तो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि दो अगर फेस सेम है, दो घन है, दोनों में दो अंक सेम है, तो जो तीसरा अंक होगा वो उसका अपोजिट होगा। तो 30 का आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद क्या रखना है, अगर डाइस का प्रॉब्लम है घन का, तो अगर किसी भी दो बोलेगा क्या इसके अपोजिट है, क्या इसके मतलब बगल में है, तो याद रखिएगा दो डाइस को देखिएगा, ठीक है। जैसे इन दो डाइस को हम कंपेयर किए अगर, तो ये पता चला कि यार इसमें भी छः कॉमन है, इसमें भी छः है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो बाकी जो अलग अंक होगा वो जो है अपोजिट में होगा, मतलब तीन जो है चार के अपोजिट होगा, ठीक है। तो वही हमसे पूछा था कौन सा अपोजिट है,
ठीक। अच्छा हम ये अध्याय कोशिश कीजिएगा कि वही घन को आप लीजिएगा जिसमें दो अंक समान हो, ठीक है। अगर इसी में हमसे पूछता, दूसरा चीज़ पूछता, मान लीजिए कि चार के अगल बगल कौन सा है या चार के अपोजिट क्या है दोस्तों, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए चार के बगल में क्या है, एक, चार के बगल में क्या है, दो, चार के बगल में क्या है, पाँच, क्योंकि उसके बगल में चार के बगल में क्या है, छः। तो टोटल कौन कौन सा अंक होता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यही होता है घन में। तो एक तो है चार के बगल में, तो ये तो उसका अपोजिट नहीं हो सकता। चार के बगल में दो है, ये भी नहीं हो सकता। चार के बगल में पाँच है, ये भी नहीं हो सकता। चार के बगल में छः है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो चार तो कुछ है, खुद है ही है, तो बाकी एक अंक क्या बचा, तीन बचा। इसका मतलब तीन का अपोजिट क्या हो, चार किसका अपोजिट है, तीन का। तो या उल्टा बोलिए, तीन किसका अपोजिट है, चार का, चार किसका अपोजिट है, तीन का। बस वही है, तो वही तो आंसर आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से आप और भी बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं। हम पूछे, मान लीजिए बोले कि छः का अपोजिट क्या है, तो देखिए छः का, छः के बगल में क्या है, चार। आगे लिख लीजिए कि कौन कौन सा अंक होता है क्यूब में, एक, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है, छः होता है। तो देखिए छः के बगल में क्या है, दो, तो इसका अपोजिट नहीं हो सकता, दो को आप काट दीजिए। छः के बगल में क्या है, चार, चार भी नहीं हो सकता। छः के बगल में क्या है, दो, दो भी, दो तो पहले मार्क कर दिए। छः के बगल में क्या है, तीन, तीन भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, पाँच और छः, तो इसका मतलब जो अंक बच गया वो उसका अपोजिट होगा। तो छः का अपोजिट में पाँच रहेगा, पाँच के अपोजिट में छः रहेगा। तो अगर छः का पूछता तो क्या होता दोस्तों, पाँच, या पाँच का पूछता तो क्या होता, छः। तो ये है, तो थर्टी का आंसर क्या होगा दोस्तों, तीन का पूछा है तो बी होगा, ठीक है। चलिए चार अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, मोस्ट गिटारिस्ट आर बियर्डेड मेल्स। बोला है ज़्यादातर जो गिटार बजाते हैं दोस्तों वो दाढ़ी वाले होते हैं, दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं। बोल रहा है अगर ए रिप्रेजेंट कर रहा है सभी आदमी को, तो सभी आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है ए दोस्तों, ठीक है। बी रिप्रेजेंट बियर्डेड मेल्स, और बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आदमी को कर रहा है जिसकी दाढ़ी है। तो पूरा आदमी को दिखा रहा है ए, तो जो दाढ़ी वाला आदमी होगा वो ए के अंदर में ही होगा दोस्तों ना, जो बी, तो दाढ़ी वाला आदमी तो बी के अंदर, ए के अंदर में ही होगा, क्योंकि पूरा आदमी है। तो कुछ उनमें से कुछ आदमी का दाढ़ी होगा, कुछ आदमी का दाढ़ी नहीं होगा, लेकिन होगा तो आदमी ही। तो मान लीजिए जो बी है वो दाढ़ी वाले आदमी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और सी रिप्रेजेंट ऑल मेल गिटारिस्ट, और सी उन आदमी को रिप्रेजेंट करता है जो गिटार बजाते हैं। तो बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका क्या है, दाढ़ी है जिसका, ठीक है। और ये बताइए जितना भी दाढ़ी वाला है क्या सभी गिटार बजाएगा क्या, नहीं, उसमें से कुछ दाढ़ी वाले गिटार बजाएंगे, है ना, जो रिप्रेजेंट कर रहा है सी। और सभी कुछ इतने जो लोग होंगे, ये जो सर्कल हमने जो आपका हाईलाइट किया, इतने लोग होंगे जिसका दाढ़ी भी है और गिटार भी बजा रहा है। और इतने लोग हैं जो बच गए, वो लोग हैं जिनका दाढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी गिटार बजा रहा है। और चूंकि गिटार बजाने वाला आदमी क्या है, मेल है, लिखा है ना कि सी रिप्रेजेंट कर रहा है सभी मेल गिटार को, गिटारिस्ट को जो गिटार बजाता है। तो यही हमारा बनेगा सर को दोस्तों, ए जो होगा पूरा आदमी होगा, उसमें से कुछ आदमी का दाढ़ी होगा और कुछ आदमी जो होगा वो गिटार बजाएगा, जो इसका दाढ़ी होगा, जो कुछ आदमी होगा जो इसका दाढ़ी नहीं होगा फिर भी गिटार बजाएगा, जो ये वाला आदमी होगा, ये वाला, ठीक है, सिर्फ ये वाला, है ना। तो कौन सा दोस्तों होगा, मेरा, मेरा होगा ये, ठीक है, 31 का ए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 32 बोल रहा है, अमित विशेष टू बाय ए मैगजीन, फोर मैगजीन्स ऑन ईच ऑन पॉलिटिक्स। तो बोल रहा है अमित को चार मैगजीन खरीदना है दोस्तों, ठीक है। चार मैगजीन में से एक मैगजीन जो है पॉलिटी का है, तो आप लिख लो यहाँ पे पॉलिटी, और क्या है, स्पोर्ट्स, और क्या है दोस्तों, ठीक है, पॉलिटी है, स्पोर्ट्स है, और आपका फिल्म है, फिल्म, और क्या है दोस्तों आपका, इसको थोड़ा अगर छोटा में करके लिखेंगे तो सब हो जाएगा, इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं। तो सबसे पहले चार मैगजीन है तो चार लाइन आप खींच लो, इस तरह का क्वेश्चन में इसी टाइप से बनाना है। तो कौन कौन सा मैगजीन है सबसे पहले लिख लीजिए, पॉलिटिक्स का है, उसके बाद स्पोर्ट्स का है, फिर क्या है, साइंस का है, और क्या है, फिर फिल्म का है। ये चार मैगजीन है, ठीक है, जिसको उसको चुनना है दोस्तों। बोल रहा है दे आर एडिटेड बाय फिरोज, कुछ उसका जो पॉलिटिक्स का जो मैगजीन है, इनका जो एडिटर है वो है फिरोज है, गुरुबख्श है, स्वामी है, इला है, लेकिन कौन क्या है वो अभी आपको
आप अरेंज मत कर लीजिए कि इसका फिरोज होगा, इसका गुरुबख्श होगा, इसका स्वामी, इसका इला, क्योंकि बोला वो ऑर्डर में नहीं है, वो आपको पता करना है। और कुछ उसका जो कोई उसका एडिटर है और कोई उसका दोस्तों पब्लिशर है, कि पब्लिशर मतलब जो उसको पब्लिश कर रहा है, तो आर्यन भारत चरण देव, चार पब्लिशर है, चार मैगजीन है, चार उसका एडिटर है। अब हम लोग देखते हैं, बोल रहा है देव पब्लिशर है पब्लिश्ड अ मैगजीन एडिटेड बाय फिरोज, तो बोल रहा है फिरोज जो भी मैगजीन निकाला है उसका संपादक दोस्तों मतलब उसका पब्लिश करने वाला देव है, ठीक है। अच्छा, जो पॉलिटिक्स का जो मैगजीन है वो है आर्यन, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं पब्लिशर, तो पॉलिटिक्स का जो मैगजीन है दोस्तों उसका पब्लिशर कौन है, आर्यन, आर्यन है, ये हो गया पॉलिटिक्स का पब्लिशर कौन है दोस्तों, आर्यन, ठीक है। अच्छा, तो मैगजीन ऑन फिल्म से एडिटेड बाय स्वामी, तो फिल्म पे जो मैगजीन है उसका एडिटर कौन है दोस्तों, स्वामी है, कौन है, स्वामी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, कौन है, स्वामी। ठीक है दोस्तों, कौन है, स्वामी, स्वामी कौन है दोस्तों, इसका एडिटर फिल्म वाले का, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या बोला है देखिए, तो बोल रहा है और इट नॉट पब्लिश्ड बाय चरण पब्लिशर, मतलब फिल्म का जो भी पब्लिशर है वो पब्लिशर जो है इसका चरण नहीं है, चरण जो है फिल्म वाले मैगजीन का पब्लिशर नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। अब क्या क्या बोल रहा है, द मैगजीन ऑन साइंस इज एडिटेड बाय इला, तो जो साइंस पे जो मैगजीन थी, मैगजीन था उसका एडिटर, उसका एडिटर कौन था दोस्तों, इला, इला था या थी जो भी है, ठीक है। उसके बाद और इसमें लिखा था कि देव पब्लिशर है पब्लिश्ड मैगजीन एडिटेड बाय फिरोज, तो जो फिरोज जो मैगजीन को एडिट किया, ठीक है, उसका पब्लिशर कौन था दोस्तों, देव था, आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पहला में क्या लिखा था, क्या लिखा था कि देव पब्लिशर ने उस मैगजीन को पब्लिश किया है जिसका एडिटर फिरोज था, इसका मतलब जिस भी एडिटर, जिसका भी एडिटर फिरोज था उसका पब्लिशर था देव दोस्तों। तो देखिए फिल्म वाले का एडिटर कौन था, स्वामी, इसका एडिटर कौन है, इला, पॉलिटिक्स वाले का पब्लिशर तो दे दिया गया, तो बाकी जो स्पोर्ट्स बचा, ठीक है, इसका ही एडिटर होगा आपका, आपका फिरोज है ना, पॉलिटिक्स का एडिटर फिरोज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बोला है कि जिसका एडिटर फिरोज होगा उसका जो पब्लिशर होगा दोस्तों वो देव होगा, लेकिन पॉलिटिक्स का पब्लिशर तो आर्यन है, इसका मतलब जो बाकी जो बच गया इला तो नहीं हो सकता, क्योंकि इला अगर एडिटर होगा तब उसका देव नहीं हो सकता पब्लिशर, ठीक है। तो फिरोज जो है दोस्तों स्पोर्ट्स का पब्लिशर है, ठीक है, स्पोर्ट्स मैगजीन को लिखता है, एडिटर है, और इसका पब्लिशर क्या होगा दोस्तों, देव, ठीक है, आप समझ में आया। अच्छा, जब पॉलिटिक्स का पब्लिशर आर्यन है, स्पोर्ट्स का पब्लिशर देव है, फिल्म का पब्लिशर चरण नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो हमारे पास दो ही चीज़ बचा है, साइंस का और फिल्म का, तो फिल्म का चरण नहीं है तो साइंस का ही चरण होगा, ठीक है, और फिल्म का कौन होगा दोस्तों, फिल्म का देखिए हमारे पास चरण हो गया, हाँ ठीक है, हमारे पास देव हो गया दोस्तों, चरण हो गया, आर्यन हो गया इसका, तो बाकी कौन बचा, भारत, तो भारत जो होगा दोस्तों वो फिल्म का पब्लिशर होगा, ये पता करना है, ठीक है। फिर देखिए इसका जो एडिटर है, फिरोज एडिटर हो गया दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कौन कौन एडिटर था, फिरोज था, तो फिरोज तो ये कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद गुरुबख्श, गुरुबख्श दो, इला भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है, तो बाकी जो गुरुबख्श बचा वो किसका होगा दोस्तों, पॉलिटिक्स का, तो ये हमारा बन गया पजल, पजल सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा है, बोल रहा था मैगजीन ऑन साइंस इज पब्लिश्ड बाय, तो साइंस का मैगजीन को पब्लिशर कौन किया है दोस्तों, चरण, तो चरण होगा आंसर सी। फिर बोल रहा था मैगजीन ऑन स्पोर्ट्स इज, स्पोर्ट्स का जो मैगजीन है उसको एडिट कौन किया है दोस्तों, स्पोर्ट्स का जो मैगजीन है उसको एडिट कौन किया, फिरोज, ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों, मैगजीन जो स्पोर्ट्स का था उसको फिरोज जो है एडिट किया, और पब्लिश कौन किया, देव, तो पब्लिश बाय भरत नहीं, चरण नहीं, और एडिटर इसका गुरुबख्श नहीं था, क्योंकि गुरुबख्श किसका एडिटर है दोस्तों, पॉलिटिक्स का, ठीक है। अच्छा, द मैगजीन ऑन फिल्म इज, फिल्म को में जो मैगजीन था उसका पब्लिशर कौन था, चरण, और एडिटर कौन था, स्वामी, तो पब्लिशर कौन था, चरण, और एडिटर कौन था दोस्तों, स्वामी है ना, तो फिल्म का एडिटर कौन था दोस्तों, चरण नहीं, भरत, फिल्म का एडिटर कौन था, भरत, ठीक है, और मतलब फिल्म का जो पब्लिशर था दोस्तों, पब्लिशर, फिल्म का जो पब्लिशर था वो कौन था दोस्तों, भरत, तो पब्लिश्ड बाय भरत, ठीक, और एडिटेड बाय स्वामी, तो ये तीन हो गया पजल सॉल्व। उसके बाद और क्या पूछा है, द मैगजीन ऑन पॉलिटिक्स इज, तो पॉलिटिक्स में जो मैगजीन है उसका पब्लिशर कौन था दोस्तों, आर्यन,
और एडिटर कौन था, गुरुबख्स, तो एडिटेड बाय गुरुबख्स। ठीक, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 36। बोल रहा है ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए मिडिल पॉइंट ऑफ ए वुडन लैडर। बोल रहा है एक आदमी जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, एक आदमी जो है, एक घर का ये दीवार है, सीधा दीवार, और एक ये है। तो बोल रहा है एक आदमी जो है सीढ़ी में जो है खड़ा है, स्टैंड से, सीढ़ी ऐसे ही लगता है दोस्तों, ये हमारा सीढ़ी है। तो उसके मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट मतलब मध्य बिंदु में ऐसे खड़ा हुआ है। विच स्टार्ट स्लीपिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल एंड द फ्लोर ऑफ ए रूम। अब ये सीढ़ी में जब वो खड़ा है दोस्तों आदमी ये, तो सीढ़ी जो है अब जो है स्लिप होना चालू हुआ, मतलब सीढ़ी जो है पहले ऐसे था, फिर जो है सीढ़ी ऐसे हो गया, फिर जो है ऐसे हो जाएगा, फिर जो है ऐसे हो जाएगा, और फिर जो है पूरा गिर जाएगा दोस्तों, फ्लैट हो जाएगा। तो बोल रहा है ये जो आदमी जो है शुरू से ही बीच वाला पॉइंट को पकड़ के बैठा है, मतलब सीढ़ी का बीच वाला पॉइंट। तो शुरू में जब सीढ़ी ऐसे होगा उसका बीच पॉइंट ये होगा, जब सीढ़ी थोड़ा सा घसकेगा दोस्तों तो बीच पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर और जब घसकेगा तो बीच पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जब और फ्लैट हो जाएगा तो पूरा ऐसे हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये जो हम लोग पॉइंट बनाएंगे, सीढ़ी गिरते रहेगा और अभी आदमी हमेशा बीच वाले पॉइंट पर लटका हुआ है, तो बीच वाले पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर देंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, क्या मेरा सर्कल बनेगा, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, या एलिप्टिकल पाथ बनेगा, या पैराबोला बनेगा। तो दोस्तों क्या बनेगा, वो सर्कुलर बनेगा। तो 36 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो बोल रहा है गोपाल हर्ष इंदर जय कृष्णन जो है अहमदाबाद भोपाल कटक दिल्ली इरनाकुलम उनका जो है दोस्तों घर है। ठीक है, और दे आर स्टैंडिंग कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री कॉलेज में वो पढ़ रहा है, लेकिन ये उसी ऑर्डर में नहीं पढ़ रहा है, मतलब आपको पता करना है कि कौन कहाँ पढ़ रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कोई भी आदमी जो है अपने घर में नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, कोई भी बच्चा जो है अपने घर में नहीं पढ़ रहा, मतलब जहाँ पर उसका घर होगा उसी में, उसी जगह नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए 5 लोग हैं, कौन कौन है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों। देखिए फिर से एक पजल आ गया, आपको बताना है कि कौन क्या है। तो बोल रहा है कि गोपाल हर्ष इंदर जय और कृष्णन, ये 5 लोग हैं दोस्तों। कौन कौन है, गोपाल हर्ष, ठीक है, जय कृष्णन और इंदर। तो सबसे पहले आप लिख लो, एक तरफ लिख लो नाम, उनका नाम क्या है, तो नाम क्या है, गोपाल है, हर्ष है, ठीक है, इंदर है, इंद्र है, और जय है, और कृष्ण है, कृष्णन। ठीक है, तो ये उनका नाम है दोस्तों। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये उनका घर क्या क्या पूछा, उनका घर कहाँ है, ठीक है, वो हम लिख लेंगे, वो पढ़ाई कहाँ की है वो हम लिख लेंगे, और वो जो है घर कहाँ है, पढ़ाई कहाँ है किए हैं वो लिखेंगे दोस्तों, और लिखेंगे वो किस सब्जेक्ट का पढ़ाई किया है ना, विषय, विषय, ये 3 चीज़ दिया हुआ है ना, लिखा है कि, अच्छा बोल रहा है गोपाल का घर, गोपाल टाउन इज इरनाकुलम, तो गोपाल का घर दोस्तों वो कहाँ है, इरनाकुलम में, इरनाकुलम में। ठीक, बोल रहा है हर्ष इज नॉट स्टैंडिंग इन अहमदाबाद और भोपाल, तो हर्ष जो है वो अहमदाबाद और भोपाल में नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो हर्ष जो है दोस्तों वो कहाँ नहीं पढ़ता है, अहमदाबाद में और भोपाल में नहीं पढ़ता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मैं ऊपर में लिख देते हैं कि हर्ष जो है वो अहमदाबाद और भोपाल में नहीं, क्या नहीं करता है, पढ़ता है। बोला इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में है दोस्तों, तो भोपाल में क्या है आपका, इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसका बोला इंदर का होम टाउन, मतलब इंदर का घर है कटक में, तो इंदर का घर कहाँ है दोस्तों, कटक में है। और ये भी लिखा है कि जो आदमी जहाँ पर रहता है वहाँ पर वो पढ़ाई नहीं किया है ना, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है कृष्णन इज स्टडिंग इन दिल्ली, तो कृष्णन जो है वो पढ़ाई कहाँ किया है दोस्तों, कृष्णन उसने किया है आपका दिल्ली में। ठीक है, कृष्णन कहाँ किया पढ़ाई, दिल्ली में। ठीक, फिर बोला जय इज स्टडिंग इन इरनाकुलम, तो जय जो है वो इरनाकुलम में पढ़ा है, जय कहाँ पढ़ा है दोस्तों, इरनाकुलम में। ठीक है, अच्छा, और हिस्ट्री कॉलेज बोल रहा है, और हिस्ट्री कॉलेज इज इन होम टाउन अहमदाबाद, और जय का जो बोल रहा है कि हिस्ट्री कॉलेज जो है, हिस्ट्री का जो पढ़ाई है वो कहाँ होता है दोस्तों, वो आपका होता है, आपका हिस्ट्री का पढ़ाई कहाँ होता है, अहमदाबाद में है ना, तो अहमदाबाद में हिस्ट्री का पढ़ाई होता है, और अहमदाबाद ही उसका घर है दोस्तों, किसका, जय का, तो जय का घर कहाँ है आपका, अहमदाबाद
बात, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। बोला इंजीनियरिंग कॉलेज इन एर्नाकुलम, तो एर्नाकुलम में इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं दोस्तों, तो देखिए लिखा हुआ है कि हर्ष इज़ नॉट स्टडिंग इन अहमदाबाद और भोपाल, मतलब हर्ष जो है वो अहमदाबाद और भोपाल में नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो हर्ष कहाँ नहीं पढ़ता है, अहमदाबाद और भोपाल में नहीं पढ़ता है। तो देखिए पढ़ने के लिए चार जगह, कितने स्थान है, पाँच है, एक एर्नाकुलम है, दिल्ली है, और तो एर्नाकुलम कहाँ गया, ये है, और दिल्ली कहाँ है, ये है। अब बोल रहा अहमदाबाद और भोपाल में हर्ष नहीं पढ़ता है, तो दोनों कट गया, तो बचा क्या, कटक। इसका मतलब कटक में हर्ष अपना पढ़ रहा है दोस्तों, कटक में हर्ष पढ़ रहा है। और ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही कि कोई भी पांचों में से कोई भी अपने घर में ही रह के पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब अगर हर्ष कटक में पढ़ रहा है तो इसका मतलब कटक उसका घर नहीं होगा दोस्तों। और आपको दिख भी रहा है कि कटक जो है किसका घर है, इंद्र का घर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कटक जो है हर्ष का घर नहीं हो सकता। अच्छा, दिल्ली में अगर कृष्णन पढ़ रहा है इसका मतलब दिल्ली उसका घर नहीं है। तो अगर देखें कि दिल्ली अगर घर नहीं है इसका, किसका, कृष्णन का, तो कृष्णन का घर अहमदाबाद भी नहीं हो सकता क्योंकि अहमदाबाद जय का घर है, तो अहमदाबाद भी अब हटा लो, ठीक है। उसके बाद कटक भी हटा लो क्योंकि कटक जो है इंद्र का घर है, ठीक है। और एर्नाकुलम भी हटा लो क्योंकि एर्नाकुलम जो है आपका किसका घर है दोस्तों, गोपाल का। तो बचा क्या, हमारे पास बचा सिर्फ भोपाल, तो भोपाल जो होगा वो कृष्णन का घर होगा दोस्तों, ठीक है, कृष्ण का घर। अब यहाँ पे चार जगह हो गया है, एर्नाकुलम हो गया, कटक हो गया, अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, तो बचा क्या, दिल्ली। तो दिल्ली किसका घर होगा, हर्ष का। तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अब हमारे पास जो दोस्तों घर कहाँ कहाँ है वो पता चल गया, पढ़ाई कहाँ कहाँ किया, तो देखिए कटक तो हो गया, एर्नाकुलम हो गया, दिल्ली हो गया, अब हमारे पास बचा है दोस्तों क्या क्या, भोपाल और अहमदाबाद, ठीक है, तीन तो हो गया, बचा भोपाल अहमदाबाद, और यहाँ पे दो लोग बच गए, एक बचा गोपाल और एक बचा आपका इंद्र। अब देखिए एर्नाकुलम में ये नहीं पढ़ाई किया है, ठीक है, लेकिन बचा हमारे पास दो ही, या तो अहमदाबाद बचा या भोपाल बचा। इंद्र भी जो है कटक में पढ़ाई नहीं किया होगा, लेकिन गोपाल, अहमदाबाद और भोपाल इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम नहीं बता सकते कि गोपाल और इंद्र में से कौन भोपाल में पढ़ा है और कौन अहमदाबाद में। इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि भोपाल या अहमदाबाद में से दोनों में से कहीं में गोपाल पढ़ा होगा, और इंद्र भी गोपाल और अहमदाबाद में से कहीं पे पढ़ा होगा, मतलब इंद्र भी भोपाल और अहमदाबाद में से पढ़ा होगा ये नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सा विषय कोई पढ़ा है, ठीक है, ये भी हमको देखना पड़ेगा कि कॉलेज जो है दोस्तों वो कहाँ कहाँ है ना। तो सबसे पहले तो ये लिखा है कि गोपाल जो है एर्नाकुलम में पढ़ा है, और एर्नाकुलम में यहीं पे लिखा है कि एर्नाकुलम में किसका पढ़ाई होता है, इंजीनियरिंग का। इसका मतलब जो गोपाल है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखेंगे, अगर थोड़ा यहाँ पे बड़ा होता तो और अच्छे से आपको दिखा सकते थे, लेकिन ठीक है इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर बड़ा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, विषय लिख देते हैं कि गोपाल एक तरफ नाम और दूसरी तरफ विषय क्या क्या पढ़ा है, है ना। तो गोपाल था और कौन कौन था, गोपाल था, हर्ष, इंद्र, जय, गोपाल, हर्ष, इंद्र, जय और कृष्णन, ये लोग थे। तो बोला है कि गोपाल जो है वो किस में पढ़ा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, गोपाल जो है आपका वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है। गोपाल कहाँ पढ़ा है, एर्नाकुलम में लिखा है ना, एक मिनट ध्यान दीजिए। तो गोपाल जो है उसका घर कहाँ है, एर्नाकुलम में, मतलब एर्नाकुलम में गोपाल जो है दोस्तों नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो गोपाल जो है अगर एर्नाकुलम में नहीं पढ़ा है तो गोपाल, हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे ये मिटा देते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि जो इंजीनियरिंग जो कॉलेज वॉलेज है वो कहाँ कहाँ है ना। तो देखिए सबसे पहले तो ये बोला है कि जो एक तरफ लिख लेते हैं कॉलेज, ठीक है, और दूसरी तरफ ले लेते हैं स्थान कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले बोला है यहाँ पर कि इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में, मतलब इंजीनियरिंग का कॉलेज कहाँ है दोस्तों, एर्नाकुलम में, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद बोल रहा है कि हिस्ट्री कॉलेज कहाँ है, तो अहमदाबाद में। तो हिस्ट्री का, इतिहास का कॉलेज कहाँ है दोस्तों, वो है आपका अहमदाबाद में, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स का कॉलेज कहाँ है, भोपाल में, ये लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स का कॉलेज कहाँ है, भोपाल में, ठीक है। अब कौन कौन सा स्थान बता, एक बचा आपका दिल्ली, ठीक है दोस्तों, और दूसरा बचा आपका कटक, है ना। और कॉलेज कितने हैं टोटल, कौन कौन सा स्थान बताया, दिल्ली, और क्या बचा है, कटक, और कॉलेज, दो कॉलेज और बचे हैं, दो सब्जेक्ट का विषय,
तो एक तो हिस्ट्री हमारा हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और इंजीनियरिंग हो गया, और मेडिकल और कॉमर्स के बारे में नहीं पता चल रहा है, और यहाँ पे कहीं भी कुछ इन्फॉर्मेशन भी इसमें से पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब दिल्ली और कटक में से, ठीक है, दिल्ली और कटक में से कौन सा स्थान पे कॉमर्स का पढ़ाई हो रहा होगा और कौन सा पे मेडिकल का होगा दोस्तों, वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो दिल्ली या कटक में से मेडिकल का पढ़ाई कहाँ होगा दोस्तों, ठीक है, ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, मेडिकल का पढ़ाई नहीं बता सकते और कॉमर्स का। बाकी तीन जगह पे हम बता दिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज पर एर्नाकुलम जो क्वेश्चन में लिखा है, हिस्ट्री हुआ है अहमदाबाद में और इकोनॉमिक्स हुआ है भोपाल में, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कृष्णन का होम टाउन कहाँ है दोस्तों, तो कृष्णन का घर कहाँ है, होम टाउन मतलब घर कहाँ है, भोपाल में, ठीक है, तो 37 का सी हो जाएगा। बोल रहा है देखिए इसका एक भले बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है, 37, 38, 39, 40, ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन यूपीएससी में होता है जो प्रीलिम्स में जो होता है आपका सी सेट, उसमें एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो मतलब 10 नंबर आप जो है 5-10 मिनट में बना के, इसको बनाने में कितना देर लगेगा मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, आप अगर बनाएंगे तो और आसानी जल्दी जल्दी बनेगा। फिर बोल रहा है कि विच कॉलेज इज सिचुएटेड इन इंद्र का होम टाउन, तो इंद्र का होम टाउन कहाँ है दोस्तों, कटक, तो कटक में कौन सा कॉलेज सिचुएटेड है, तो हम देखिए दिल्ली और कटक में कौन सा स्थापित है मेडिकल और या कॉमर्स का, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि मेडिकल का है या कॉमर्स का है, हाँ दोनों में से कोई होगा, कहाँ पे, कटक में और कहाँ पे, दिल्ली में, तो दिल्ली में कौन सा, तो बोल रहा है इंद्र के होम टाउन, सबसे पहले तो ये जान लो कि इंद्र का होम टाउन क्या था, इंद्र का होम टाउन था कटक, तो कटक में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, या तो मेडिकल की जाती है कॉमर्स की, आंसर क्या होगा दोस्तों, 38 का डी, ठीक है। बोल रहा है हु स्टडीज इन भोपाल, भोपाल में कौन पढ़ता है, तो पढ़ाई भोपाल में किसका हुआ दोस्तों, गोपाल का हुआ, तो क्या होगा, गोपाल, ठीक है। चलिए उसके बाद एक मिनट देखिए, पढ़ाई जो है भोपाल दो स्थान था, या तो भोपाल या अहमदाबाद में पढ़ा होगा गोपाल, या भोपाल या अहमदाबाद में पढ़ा होगा इंद्र, मतलब गोपाल और इंद्र में से दोनों में से कोई एक भोपाल में पढ़ा होगा, कोई अहमदाबाद में, लेकिन बता नहीं सकते कि कौन भोपाल में पढ़ा है कौन अहमदाबाद में, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 39 का सी होगा, ठीक है, गोपाल और इंद्र में से कोई एक। उसके बाद बोला है इफ़ इंद्र स्टडीज इन अहमदाबाद, अगर इंद्र का पढ़ाई अहमदाबाद में हुआ, ये मान के चलो आप कि इंद्र जो है अहमदाबाद में पढ़ा है, मतलब भोपाल वाला पास हटा लो, तो भोपाल में कौन पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि इंद्र अगर अहमदाबाद में पढ़ रहा है, इंद्र कहाँ पढ़ रहा है दोस्तों, अहमदाबाद में, तो गोपाल कहाँ पढ़ रहा होगा, भोपाल में, क्योंकि यही दो लोग बचे थे, तो गोपाल पढ़ा होगा भोपाल में, तो बोल रहा है कि कौन सा सीक्वेंस सही है, तो गोपाल लिखा है कि गोपाल जो है, बोल रहा है कि गोपाल का घर एर्नाकुलम है और दिल्ली में पढ़ा है, ऐसा है क्या, गोपाल एर्नाकुलम में है घर लेकिन पढ़ाई किया होगा भोपाल, तो पहला हमारा गलत हो गया। फिर बोल रहा है जय जो है अहमदाबाद में पढ़ा है और एर्नाकुलम में जो है पढ़ाई किया है, अहमदाबाद का है और एर्नाकुलम, तो जय जो है अहमदाबाद में पढ़ा है, एर्नाकुलम में इस अहमदाबाद में घर है और एर्नाकुलम में पढ़ा है, एकदम सही बात है, ठीक है, तो 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपका सही हो गया, मात्र जो है इसको बना के दोस्तों, है ना, अब इसको जो है हम लोग बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट इच टू बी कट इनटू एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज को हम लोग को इस तरह से काटना है, उसके जो टुकड़े बनेंगे वो भी जो है समबाहु त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक, तो अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमको बराबर बराबर भागों में बांटना है दोस्तों, तो जब भी वो बटेगा तो याद रखिएगा 4 के पावर में बटेगा या तो 4 में बटेगा या 16 में, मतलब 4 का पावर में बनेगा, 4 का पावर 1 में बट सकता है, या 4 का पावर 2 में बट सकता है, या 4 का पावर 3 में बट सकता है, या 4 का पावर 4 में बट सकता है, या 4 का पावर 5 में, कहने का क्या मतलब है कि कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर उसको बांटना है कि कितने पार्ट में उसको हम बांट सकते हैं, छोटे छोटे में कितने टुकड़े बनेंगे, तो याद रखिएगा वो हमेशा जो है 4 का पावर होगा दोस्तों, तो 4 का पावर 1 कितना होता है, या तो 4 होगा, या तो 16, या तो 64 टुकड़े बांट सकते हैं, या 4 का पावर 4 होगा तो 256, इस टाइप से, तो कौन सा है इसमें 4 का पावर में है, तो 196 नहीं है दोस्तों, 216 भी नहीं है, कौन सा है दोस्तों, 256, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको अगर बराबर बराबर भागों में बांटना है दोस्तों, तो हमेशा उसको 4 के पावर में बांट सकते हैं, ठीक है, तो 4 का पावर या तो 4 में बांटो, 16 में, 64 में, 256 में, या 1024 में, जैसे जैसे आपको बांटना है वैसे, ठीक है, तो जो ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको सही करेंगे, तो 41 का आंसर होगा दोस्तों सी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है पी क्यू आर एस टी रिसाइड इन ए फाइव स्टोरी ग्राउंड प्लस फोर बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है दोस्तों, ठीक है, जिसके और वो पांच माले का है, ग्राउंड फ्लोर को ले ले तो पांच माला, तो एक दो दूसरा माला तीसरा माला चौथा माला और पांचवा माला, तो टोटल जो है पी क्यू आर एस टी ये पांच लोग रहते हैं। और कैसे रहते हैं तो बोल रहा है इस तरह से कि टी डज नॉट रिसाइड ऑन टॉप फ्लोर, तो टी जो है दोस्तों टॉप फ्लोर पर नहीं है, मतलब यहाँ पर टी नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्यू डज नॉट रिसाइड ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे वाले पे क्यू नहीं रहता, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद और क्या क्या बोला गया, जैसे जैसे बोला है बस आप वैसे से करते रहो तो आपको जो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है एस रिसाइड ऑन वन स्टोरे अबव दैट ऑफ पी एंड वन स्टोरे बिलो दैट ऑफ आर, तो बोल रहा है जो एस है दोस्तों एस, ठीक है, एस तो एस जो है हमेशा, ठीक है, पी के एक माले ऊपर रहता है, तो पी अगर यहाँ पे होगा दूसरे माले पे, मतलब इस पे होगा अगर पी तो एस उसके ऊपर होगा और एस के ऊपर आर रहेगा, ठीक है। तो एस को आप यहाँ पे भी बैठा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे पी हो जाएगा और उसके ऊपर आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एस जो है दोस्तों यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आर हो जाएगा और उसके नीचे पी हो जाएगा, बैठ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि टी जो है ऊपर नहीं बैठ सकता, लेकिन हम टी को तो नहीं बैठा रहे हैं, मान के चलते हैं कि एस जो है फोर्थ इस पे बैठा होगा, इस पे, तो उसके ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि इसके ऊपर आर है, तो आर तो यहाँ बैठ सकता है ना, भले टी नहीं बैठ सकता, आर तो बैठ सकता है और उसके नीचे पी बैठेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एस आपका यहाँ भी बैठ सकता है, एस आपका यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है, और एस दोस्तों एस जो है यहाँ भी रह सकता है, क्योंकि एस के ऊपर क्या होगा आर और उसके नीचे क्या होगा पी, बात समझ में आ रहा है। और क्यू को यहाँ बैठा देंगे और टी को ऊपर बैठा देंगे, क्योंकि क्यू ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बैठ सकता और टी जो है टॉप फ्लोर पर नहीं बैठ सकता, तो हमें खाली टी और क्यू का ही तो रखना है, ये बाकी तो कुछ नहीं, और दिया है ये दिया कि इसके ऊपर आर रह सकता है और इसके ऊपर नीचे पी रहना है, बस यही। तो इसका जो है पोजीशन हम बता नहीं सकते कि भैया कौन से फ्लोर पर वो रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस आधार पर क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन फ्लोर रहा होगा, तो नहीं, तो जो हमारा तीन कथन दिया हुआ है कि टी जो है टॉप फ्लोर पर नहीं रहेगा, क्यू जो है ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहेगा और एस जो है हमेशा आर के नीचे और पी के ऊपर रहेगा, तो इसके आधार पर हम नहीं बता सकते कि कौन कौन रहेगा। तो वही क्वेश्चन पूछा था कि ये तीन स्टेटमेंट क्या सफिशियंट है, पर्याप्त है आपको जानने के लिए, तो नहीं, तीन वन टू थ्री स्टेटमेंट जो दिया हुआ है दोस्तों वो इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है ये जानने के लिए कि कौन आदमी कौन फ्लोर पर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 43। बोल रहे हैं ए बॉक्स कंटेन फाइव सेट ऑफ बॉल्स वाइल देयर आर थ्री बॉल्स इन ईच सेट, बोल रहा है एक बॉक्स में, ठीक है, एक बॉक्स में पांच सेट है बॉल का, ठीक है, बॉल का पांच सेट है, एक सेट ये हो गया और एक सेट में तीन बॉल है, दूसरा सेट ये हो गया दोस्तों, तीसरा सेट ये हो गया, चौथा सेट ये हो गया और पांचवा सेट ये हो गया, तो इस तरह से बॉल का दोस्तों सेट है, ठीक है। और बोल रहा है कि मतलब टोटल कितना बोलोगे दोस्तों, 15 बोलोगे, 5 × 3 = 15। बोल रहा है ईच सेट ऑफ बॉल हैज़ वन कलर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर सेट, बोल रहा है हर कलर का बॉल एक दूसरे से क्या है दोस्तों अलग है, तो बोल रहा है व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉक्स इन ऑर्डर टू क्लेम विथ सर्टेनिटी दैट ए पेयर ऑफ बॉल ऑफ द सेम कलर हैज़ बीन रिमूव्ड, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास कितना बॉल है, कितना बॉल है, फाइव सेट ऑफ बॉल है और एक सेट में कितना बॉल है, तीन, तो टोटल बॉल कितना हो गया, 15। तो बोल रहा है एक सेट का जो कलर है वो एक है, मतलब अब फर्स्ट सेट का अगर लाल मानते हैं तो ये मान लो पीला होगा, ठीक है, ये होगा हरा दोस्तों पूरा तीनों का, इसका होगा काला और इसका होगा सफ़ेद, तो ये पांच सेट बॉल है दोस्तों और बोल रहा है एक सेट का कलर जो है अलग है। तो बोल रहा है कि अगर आप कितने बॉल कम से कम निकालेंगे, ठीक है, कितने बॉल निकालेंगे, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बॉल खुला खुला है, मतलब 15 बॉल ऐसे ऐसे आपका रखा होगा, जोड़ी में नहीं होगा, लेकिन ये बोला गया है कि 15 तो बॉल है और तीन बॉल का कलर एक है और 15 बॉल का कलर पांच कलर का होगा। तो बोल रहा है कितने बॉल निकालेंगे कि आपको जो है सेम कलर का बॉल जो है दोस्तों निकलेगा, मतलब तीन आपको निकालना है दोस्तों, कितना बॉल, ठीक है, कितना भी बॉल निकालिए, लेकिन जितना भी बॉल निकालिए उसमें से दो बॉल आपका एक कलर का होना चाहिए, ठीक है, ये हमको पता करना है, ठीक है।
दोस्तों बोल रहा है कि आपको कितना बॉल निकालेंगे कि आप सियोरिटी के साथ बोल सकते हैं कि दो बॉल आपका सेम कलर का होगा। तो देखिए दोस्तों, मान लो आप पांच बॉल निकालते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है कि पांचों बॉल अलग अलग कलर का हो सकता है ना, कि पांचों बॉल अलग अलग कलर का हो। ये मानेंगे पांच बॉल अलग अलग कलर, मतलब पांच बॉल निकालेंगे तो पांचों बॉल जो दोस्तों, एक लाल होगा, एक पीला, एक हरा, एक काला और एक आपका सफ़ेद। लेकिन जब छठा बॉल निकालेंगे तो छठा बॉल दोस्तों फिर लाल होगा, पीला, हरा और काला और सफ़ेद। तो पहले तो भैया लाल था ही एक बॉल, तो दूसरा बॉल अगला क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, मतलब होगा ना। देखिए मान लो पांच बॉल निकाले तो हो सकता है आपका कि लाल, एक बॉल लाल होगा, एक पीला, मान लेते हैं कि भैया पांचों जो अलग अलग कलर हमारा निकला, तो लाल, पीला, काला, सफ़ेद और एक क्या था, हरा। तो ये मान लो पांच बॉल निकाले तो पांचों बॉल का कलर दोस्तों अलग अलग था। अब जब छठा बॉल निकालेंगे तो छठा बॉल लाल, पीला, काला, सफ़ेद में से कोई एक और हरा में से कोई एक निकलेगा। मान लो वो सफ़ेद निकलेगा, तब आपके पास हो गया ना दो सफ़ेद बॉल, ठीक है। तो कम से कम आप कितना निकालेंगे, तो कम से कम मैं जो है आप छः बॉल जब निकालेंगे, शुरू में पाँच और एक छः, मतलब टोटल छः बॉल जब निकालेंगे तो उसमें से कम जो है चांसेस है कि उसका जो है दो जो होगा एक कलर का होगा दोस्तों, ठीक है। तो 43 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए, छः बॉल निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, बोल रहा है इन एन ऑफिस द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक टी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली कॉफ़ी। बोल रहा है एक ऑफिस है दोस्तों जिसमें कुछ लोग चाय लेते हैं, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस तरह से जब रहता है ना, एक चाय पी रहा है, एक कॉफ़ी पी रहा है, तो समझ लो कि दो चीज़ पी रहा है, या तीन चीज़ भी पी रहा है, तो समझ लो कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक चाय पी रहा है, तो मान लो ये चाय वाला डायग्राम है टी का, और कुछ लोग कॉफ़ी पियेंगे और कुछ बोल रहा है कि जो चाय ले रहा है वो ट्वाइस है द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली कॉफ़ी। तो जो कॉफ़ी पी रहा है उसके तुलना में जो चाय पी रहा है, तो जो चाय पी रहा है, मान लेते हैं जो चाय पी रहा है उसका जो नंबर है वो है जेड दोस्तों, कितना है उसका नंबर, जेड, ठीक है। और या ऐसे समझो कि जो सिर्फ चाय पी रहा है, जो सिर्फ चाय पी रहा है, मान लो जो सिर्फ चाय पी रहा है, ठीक है, उसका संख्या एक्स मान लेते हैं, और जो सिर्फ कॉफ़ी पी रहा है दोस्तों उसका संख्या मान लो वाई मान लेते हैं, ठीक है। और जो दोनों पी रहा है, दोनों, उसका मान लो जेड मान लेते। क्वेश्चन क्या दिया है कि जो लोग चाय पी रहे हैं, तो मान लो ये चाय का मेरा डायग्राम था, ये बगल डायग्राम कॉफ़ी का था, तो चाय कितने लोग पी रहे हैं, देखो इतना लोग चाय पी रहे हैं, और सिर्फ चाय कितना पी रहा है, बस इतना लोग, जितना बस इतने ही लोग सिर्फ चाय पी रहा है ये, और आप कहिए इतने ही लोग चाय पी रहा है ना। तो अगर हम बोलें कि चाय पीने वाला कौन होगा, तो चाय पीने वाला कौन होगा जो सिर्फ चाय पी रहा है प्लस वो, और प्लस जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो पोर्शन है दोस्तों जो वो चाय कॉफ़ी दोनों पी रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि चाय कौन पी रहा है, तो चाय पीने वाला कौन होगा, जो सिर्फ चाय पी रहा है वो, और जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहा है वो, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो चाय पी रहा है, तो चाय कौन पी रहा है दोस्तों, जो सिर्फ चाय पी रहा है वो, तो एक्स प्लस जो दोनों पी रहा है तो वो भी होगा चाय पीने वाला। तो बोल रहा है कि जो चाय पी रहा है वो कॉफ़ी पीने के, जो सिर्फ कॉफ़ी पी रहा है उसका दो गुना है, तो कॉफ़ी सिर्फ कितना पी रहा है, वाई, तो टू इंटू वाई है। तो पहला इक्वेशन तो मेरा ये निकला। उसके बाद बोल रहा है अगला क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक कॉफ़ी इच ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली टी। तो सिर्फ कॉफ़ी कितने पी रहे हैं दोस्तों, वाई, ठीक है, और दोनों कितना पी रहे हैं, जेड। इसका मतलब अगर सिर्फ कॉफ़ी कितने लोग पी रहे हैं, देखो इतने ही लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, बस ये वाला पोर्शन सिर्फ यही कॉफ़ी पी रहा है, मतलब सिर्फ कॉफ़ी पी रहा है, और ये दोनों पी रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कॉफ़ी कौन पी रहा है, तो टोटल होगा जो कॉफ़ी सिर्फ पी रहा है और जो कॉफ़ी और चाय दोनों पी रहा है, तो सिर्फ कॉफ़ी पी रहा है कितना हम लोग माने हैं उसको, वाई, और दोनों को कितना माने, जेड। तो बोल रहा है जो कॉफ़ी पी रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक कॉफ़ी इज ट्वाइस द पर्सन जो सिर्फ चाय पी रहा है। सिर्फ चाय कितना पी रहा था, टू इंटू एक्स, सिर्फ चाय कितना पता है, एक्स। अब बोल रहा है तो ये हमारा इक्वेशन आया दोस्तों, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बोल रहा है एक्स प्लस जेड बराबर वाई है दोस्तों, और वाई प्लस जेड बराबर टू एक्स है, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिए,
तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकाल ले तो x बराबर क्या होगा, 2y माइनस जेड। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, 2y माइनस जेड, ठीक है। या ऐसे करो, इन दोनों इक्वेशन को घटा दो, ये जो समीकरण आया उसको घटा दो दोस्तों, पहला और दूसरा को। तो जब घटा देंगे तो क्या करेंगे, x प्लस जेड में अगर y प्लस जेड घटा देंगे दोस्तों, तो दोनों तरफ घटेगा, 2y माइनस 2x, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये घट गया, राइट हैंड साइड की तरफ ये घट गया। तो क्या आएगा, x प्लस जेड माइनस को करेंगे तो माइनस वाई माइनस जेड बराबर 2y माइनस 2x। तो प्लस जेड माइनस जेड कट गया दोस्तों, ठीक है। तो क्या आया, एक्स वाई माइनस एक्स बराबर 2 इंटू वाई माइनस एक्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, अगर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस वाई होगा। अब देखिए, x माइनस वाई कट जाएगा, तो क्या आ गया मेरा, 1 इक्वल टू माइनस 2 होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये तभी सेटिस्फाई होगा, ये बराबर जब x और y क्या होगा, बराबर होगा, तभी x और y बराबर होगा। तो x माइनस वाई कट के 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स और वाई बराबर है, तो x माइनस वाई क्या 0, तब 0 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब x बराबर वाई है दोस्तों, ठीक है। मतलब जितना लोग चाय सिर्फ पी रहा है उतना लोग सिर्फ कॉफ़ी पी रहा है, ठीक है। और अगर x प्लस वाई बराबर एक्स बराबर वाई है तो इक्वेशन में अगर डाल देंगे तो x बराबर वाई बराबर जेड होगा दोस्तों, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, बोल रहा है द सम ऑफ द पर्सन हु टेक आइदर टी और कॉफ़ी और बोथ इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक बोथ कॉफ़ी एंड टी। बोल रहा है दोनों में से कोई भी आदमी जो सिर्फ चाय पी रहा है या कॉफ़ी पी रहा है या दोनों पी रहा है, वो 4 गुना है उन आदमी का जो दोनों पी रहा है दोस्तों, ठीक है। मतलब जो चाय पी रहा है या कॉफ़ी पी रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 4 गुना जो दोनों पी रहा है, 4z है क्या, नहीं। x बराबर वाई बराबर जेड तो तीनों बराबर क्या हो गया, 3z, तो 3z बराबर 4z है क्या, नहीं है। तो फर्स्ट हमारा गलत होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द सम ऑफ द पर्सन हु टेक ओनली कॉफ़ी एंड दोज हु टेक ओनली टी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक बोथ टी। बोल रहा है जो वो लोग जो सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं, तो सिर्फ कॉफ़ी कितने पी रहे थे हमारा वाई, और सिर्फ चाय कितने पी रहे थे दोस्तों एक्स। तो बोल रहा है जो एक्स प्लस वाई है वो 2 गुना है जो दोनों पी रहा है, मतलब 2 इंटू जेड। हमें पता है कि एक्स और वाई कितना था, बराबर था, और वो कितने किसके बराबर था, जेड के। तो वाई प्लस एक्स बराबर लिख सकते हैं 2z, क्योंकि एक्स बराबर वाई है बराबर जेड है, तो 2z बराबर 2z, सही बात है। तो हमारा दूसरा सही है दोस्तों, तो 44 का आंसर होगा बी, ठीक है। आप समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इसी टाइप का UPSC रिपीट करेगा। तो आप ये पैटर्न को देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से UPSC दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 पे फिर डाइस का प्रॉब्लम आ गया, बोल रहा है कि इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है। तो अब उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है फिगर 1 और 3 आर सफिशियंट टू नो एज टू विच फेस इज अपोजिट टू द फेस नंबर 6। बोल रहा है कि अगर 6 के अपोजिट हमें जानना है कि कौन होगा, तो 1 और 3 से हम लोग जान सकते हैं, फिगर 1 और 3 से। तो देखिए तो जान सकते हैं क्या, फिगर 1 और 3 को कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो अगर अपोजिट जानना है तो देखो 6 के सामने क्या है, 3, सबसे पहले लिख लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं कोई भी पासा में डाइस में। तो 6 के सामने क्या है, 3, तो 6 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि 6 के अपोजिट जो है 1 और 3 के द्वारा जाना जा सकता है। तो कंपेयर करके देखेंगे ना कि 6 से हम क्या क्या जान सकते हैं, पहले से जान सकते हैं कि 6 के सामने 3 है, मतलब 6 के अपोजिट 3 नहीं है, साथ ही साथ 6 के सामने 2 है तो 6 के अपोजिट 2 नहीं होगा। उसके बाद इसमें कंपेयर कीजिए, 6 के सामने 5 है तो ये उसका अपोजिट नहीं हो सकता, 6 के सामने जो है 4 है ये अपोजिट नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 1 और 6, दो ही चीज़ बचा, इसका मतलब 6 और 1 क्या है, अपोजिट है। तो पता चल गया, मतलब पहला हमारा दोस्तों सही है ना। अब दूसरा देखते हैं, बोल रहा है फेस फिगर 2 और 3 आर सफिशियंट टू नो विच इज अपोजिट टू द फेस 4। बोल रहा है फिगर 2 और 3 से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा 4 के उल्टा है, तो फिर लिख लो आप 1 2 3 4 5 6, अब फिर कंपेयर कीजिए आप इन दोनों फिगर को दोस्तों। तो देखिए 4 के सामने क्या है, 2 और 1, तो उसके अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद 4 के सामने क्या है, 5 6,
तो 5 6 भी कट गया, वो भी अपोजिट नहीं हो सकता। अब बचा 3 और 4, इसका मतलब 4 और 3 क्या है, आपस में उसका अपोजिट फेस पे। तो ये भी हम सही है कि फिगर 2 और 3 से हम बता सकते हैं कि 4 के उल्टे में कौन सा फेस है। ठीक है, अब तीसरा देखो, बोल रहा है फिगर 1 और 4 से बता सकते हैं कि फिगर 3 के नंबर 3 नंबर के अपोजिट क्या है। तो देखिए आप, तो फिगर 1 और 4 को आप कंपेयर करो फिर से, फिर लिख लो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो देखिए पहला इसको, ये फिगर और ये फिगर को देखिए, ठीक है, और 3 को उल्टा बजाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, 6 6 और 2 संख्या समान है इस पासे में, और इसमें भी सिर्फ देखिए 6 और 2 समान है। तो मैंने ये भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी पासा का 2 अगर सेम अंक आएगा, दोनों है ना, दो सेम अंक आएगा, जो तीसरा अंक होगा दोस्तों वो आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो देखिए ये जो पासा है दोस्तों, इसमें 6 2 4 है, ठीक है, और ये जो पासा है उसमें 6 2 3 है, तो 6 और 2 तो कॉमन है दोनों में, तो बाकी जो बच गया तीसरा ना, वो अपोजिट होता है, मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। तो ये भी पता चल गया कि पहला और चौथा से भी पता चल गया कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। इसका मतलब कोई भी 3 स्टेटमेंट से तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है दोस्तों, सही है ना। तो 45 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। तो पासा में बस आपको वही याद रखना है कि अगर 2 फेस समान है 2 पासा का, तो तीसरा अपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद अब फिर अपोजिट वाला पता करना है, तो देख लो उसके अगल बगल वाला क्या है, तो वो सर कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग जो है 45 तक कर चुके हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से 25-30 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छा रहे, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय।